सलाम वालेकुम दोस्तों, पेपर हो चुका है एमयू मास कॉम का। बात है मैं बताऊंगा आपको इनके आंसर्स। दोस्तों देखते रहें वीडियो, आप सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आपके टाइम पर पहुंचे। दोस्तों चलते हैं आप सवालों की तरफ। दोस्तों सवाल पेपर का लेवल काफ़ी सही था, बड़ा ही मॉडरेट पेपर था। बात करेंगे इसके बाद की दोस्तों वीडियो में। तो पहले का आंसर होगा, पहले दोस्तों आंसर होगा रैमन मैग्सेसे अवार्ड। दोस्तों उसके बाद हुज बर्थडे इज़ डिक्लेयर्ड, ये पराक्रम दिवस दोस्तों ये होगा आपका सुभाष चंद्र बोस, इनका दोस्तों पराक्रम दिवस है। वन ड्राइव इज़ ए क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड बाय दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट होगा इसका आंसर। द कंपनी विच डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर चैट बॉक्स कॉल चैट बीटी, उसे होगा आपका ओपन एआई। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था बैरन आइलैंड ओनली एक्ट इज लोकेट, उसे होगा अंडमान निकोबार आइलैंड। टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022, उसे होगा आपका वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की। तो हु वॉज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द 17th लोकसभा, उसका आंसर होगा ओम बिरला। ऑप्शन सी सही दोस्तों आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, द मिशन ऑपरेशन गंगा रिलेट्स टू, या दोस्तों होगा टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन फ्रॉम यूक्रेन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हु विजिटेड इंडिया इन मार्च 2023 वॉज, इसका होगा दोस्तों एंथनी एल्बनीज। हु वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल इन मार्च 2023, इसका दोस्तों आंसर होगा राम प्रकाश पुदेल। इसके बाद सवाल नंबर 11 आपको आया था विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्री अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट शॉर्ट फिल्म, ये होगा द एलिफेंट विस्परर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था माइक्रोसॉफ्ट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड अ न्यू एआई पावर्ड असिस्टेंट फॉर इट्स माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स एंड सर्विस, इसका आंसर होगा को पायलट। तो ये दोस्तों इसका आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वीडियो फाइल फॉर्मेट, उसका दोस्तों आंसर होगा WAV, ये दोस्तों ये नहीं होता फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट दोस्तों आया था इंडिया फर्स्ट न्यूज़ पेपर द बंगाल गैजेट वॉज स्टार्टेड बाय, दोस्तों आंसर होगा जेम्स ऑगस्टस सेके। वॉट डज द एक्रोनिम PNG स्टैंड फॉर, दोस्तों इसका आंसर होगा पर्सनल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट दोस्तों आया था द डॉल्बी थिएटर वेयर द अकेडमी अवार्ड आर होस्टेड इज लोकेटेड, उसका आंसर होगा दोस्तों लॉस एंजलिस। नेक्स्ट आपको आया था बैग हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द बैग फिल्म्स एंड मीडियाज, तो उसका आंसर होगा अनुराधा प्रसाद। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था हेडक्वार्टर ऑफ रूटर्स आर लोकेटेड इन, इसका दोस्तों आंसर होगा लंदन। रामनाथ गोविंद का एक्सलेंस अवार्ड इन जर्नलिज्म वॉज इंस्टीट्यूट बाय द इंडियन एक्सप्रेस। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था आचार्य नरेंद्र देव वॉज एसोसिएटेड विद द पब्लिकेशन नेम्ड एज, उसका दोस्तों इसको अभी छोड़ देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था हु अमंग द फॉलोइंग गॉड पद्मश्री अवार्ड इन 2022, इसका दोस्तों आंसर होगा, ये मुश्किल सवाल था कोई नहीं कर पाया, सेन कोटो। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था द विनर ऑफ द अकेडमी अवार्ड फॉर द हिंदी न्यूज सर्विस ऑफ PTI इज समाचार। द विनर ऑफ अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर 2022, इसका दोस्तों होगा विल स्मिथ, सो इसको छोड़ देते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट इस्टेब्लिश न्यूज़ पेपर, इसका दोस्तों होगा टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था हु इज़ द एडिटर इन चीफ ऑफ द इंडिया टुडे, इसका दोस्तों होगा अरुण पुरी। नज़र हर खबर पर, दोस्तों नज़र हर खबर पर, सो इसका ये टैगलाइन दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है न्यूज़ 24 की, लेकिन डाउट है इस पर, ध्यान रखिएगा। दोस्तों 2022 का दादा साहब फाइल के लाइफ टाइम अचीवमेंट उसी मिला था आशा पारिक को। विच इज़ नॉट अ पब्लिकेशन ऑफ इंडिया टुडे ग्रुप, इसका दोस्तों आंसर होगा रीडर्स डाइजेस्ट। उसके बाद दोस्तों 2030 दोस्तों द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द PCI, इसका दोस्तों आंसर होगा रंजना प्रसाद प्रकाश देसाई। गगनजीत भुल्लर उसे गोल्फ खेलते हैं भुल्लर। उसके बाद दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सवाल पे डाउट है, इसमें शायद चारों ही ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें सबके वही हैं जो दिए हुए हैं। द इंडियन स्टेट बॉर्डरिंग 7 अदर स्टेट इज, दोस्तों ये होगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका दोस्तों आंसर होगा क्योंकि 7 स्टेट से घिरा हुआ है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था इसमें कौन सा सिविल राइट है, उसका आंसर होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था विच ऑफ द फॉलोइंग ये सब कॉन्टिनेंट का पार्ट कौन सा नहीं है, इसका दोस्तों आंसर होगा भूटान, ये सब कॉन्टिनेंट नहीं है, मैं नहीं आता। ग्रीन बैंकिंग का मतलब होता है फाइनेंसिंग ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स।
शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन नॉर्थ इंडिया, इसको बोलते हैं झूमिंग। उसके बाद 238 विच मुगल किंग बिल्ड द फेमस शालीमार बाग इन दिल्ली, ये उसको शाहजहाँ। तो इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज डिज़ाइन बाय, इसके उस आंसर होगा पिंगली वैंग किया। तो मैंने आपको ये 37 के अराउंड आंसर बताए, एक तो छोड़ दिए थे, सारी ऑलमोस्ट ठीक हैं, चेक कर लीजिए आप। ये था आपके लिए मास कॉम की आंसर की 37, 38 मैंने बता दी आपको। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।